योगी सरकार का टेस्ट ट्रेस और ट्रीट की नीति पर जोर है। प्रयागराज में इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए 4000 सर्वे टीमें ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रही हैं। ये टीम लगातार अलग अलग गांव में जाकर टेस्ट कर रही हैं, जिससे संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इस अभियान को संगम नगरी में 21 मई तक बढ़ा दिया गया है। PHC के साथ ही CHC में भी कोविड टेस्टिंग को हो रही है। कोविड जांच के लिए पूरे जिले में 60 टीमों का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को लेकर लोगों के डर को भी ये टीमें दूर करती नजर आ रही हैं, साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी कर रही हैं। सर्वे टीमों में NM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है, जिससे टेस्टिंग तेज हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया था कि तमाम जो टीम है हाउस टू हाउस सर्वे करेगी, जो तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं। और आप, हम इस वक्त फूलपुर CHC पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। ये लोग लगातार तमाम जो गाँव हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि अगर फूलपुर CHC की बात करें तो 51 गाँव इसके ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से किस तरह की दिक्कत हो रही है, जो चूँकि हाउस टू हाउस गाँव में थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता ही है, लेकिन अब इन्हीं जनता को समझाने के लिए हमारा काम है, इन्हीं लिए हमारी नौकरी है ना। जनता तो चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन हमें उन्हें समझा बुझा के उनको प्रयास करके उनको ले आना है टीकाकरण के लिए और उनको सैंपलिंग करने के लिए। जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं, नहीं भी आना चाहते हैं तो उनको हम मोटिवेट करके, हमारे BDO साहब भी मदद करते हैं इसमें, हमारे SDM साहब भी मदद करते हैं, और अंततोगत्वा पेशेंट आता है यहाँ, सैंपलिंग भी कराता है और टीकाकरण भी करा ही रहे हैं। लोग निकल करके खुद सामने नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की मुख्य वजहों में से एक वजह ये भी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।